हिंद कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग हैं मनकापुर जंक्शन पे, और आज हम यहां से यात्रा करेंगे बहराइच तक, क्योंकि आज से जो गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस थी वो बहराइच तक जाने वाली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बहराइच तक जाती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ के सांसद के मांग पर इस ट्रेन एक्सटेंड किया गया है बहराइच तक। तो आइए देखिए, पीछे खड़ी हमारी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसी की जर्नी करेंगे। और आइए ले चलते हैं आपको बहराइच। दोस्तों ये खड़ी है अपनी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस, और देख सकते हैं यहाँ इसका लोको रिवर्सल किया जा रहा है। और ये देखिए ट्रेन को कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, गोंडा तक। अच्छा अगला स्टेशन। तो पूरा सामान इसी में लाद दिए हो क्या? गोंडा में सब कुछ। अच्छा गोंडा, ठीक। ट्रेन को एकदम घर बना दिए भाई। ट्रेन को घर बना दिया गया है अपने, देख सकते हैं। तो मनकापुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है गोंडा। तो मिलते हैं आपसे गोंडा में। मनकापुर जंक्शन तो दोस्तों गोंडा जंक्शन पर अपनी ट्रेन अराइव लेते हुए, और समय देख लीजिए 20:43, यानी 8:43। काफ़ी लेट कर दिए ट्रेन यहाँ पे। तो दोस्तों गोंडा जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है, और यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था 8:10, लेकिन काफ़ी लेट आई है, मतलब लगभग 40-50 मिनट लेट कर दी। और यहाँ से अभी बहराइच जाएगी, लेकिन किसी मतलब पैसेंजर को मालूम नहीं है, इसकी वजह से सारे पैसेंजर ने ट्रेन को खाली कर दिया है। जिसको मालूम है वही गिने चुने लोग बचे हैं बहराइच जाने के लिए। और बात करें गोंडा जंक्शन की, तो नंबर ऑफ प्लेटफार्म 5, 5 प्लेटफार्म का स्टेशन है। 11 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 11 ट्रेनें टर्मिनेट होती है, बाकी 128 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग है। और अपना गोंडा जंक्शन पड़ता है NER के लखनऊ डिवीज़न में। तो बाकी देखते हैं यहाँ पे कितने मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद निकलते हैं बहराइच के लिए। तो बने रहिए जर्नी में, बाकी कल इस ट्रेन का आपको फुल जर्नी दिखाएँगे बहराइच से लेकर बनारस तक, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों गोंडा से अपनी ट्रेन डिपार्च करती हुई, और इस ट्रेन को यहाँ पे आधे घंटे से भी ज़्यादा रोक दिया गया। गोंडा जंक्शन प्रयागपुर। और यहाँ लोगों और जनता का भीड़ देख लीजिए, लोग कितने खुश हैं, वाह, कितने पब्लिक उत्साहित है, वाह। और जनता का यहाँ भीड़ देखिए, लोग इतनी रात में भी ट्रेन को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, और पहली बार रात में इतनी ट्रेन गुजरते हुए यहाँ से प्रयागपुर से। Nice.
भी लोगों का भीड़ देख सकते हैं, लोग कितने उत्साहित हैं। इतनी रात में भी लोग यहाँ पे। तो दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्रयागपुर जंक्शन पे, और यहाँ पे ट्रेन आई है पहली बार। तो लोगों का भीड़ और उत्साह आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कितने लोग उत्साहित हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं अपनी ट्रेन को यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ को देख सकते हैं लोग कितने खुश हैं। और देख लीजिए, देखिए लोगों का भीड़ कितने उत्साहित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, क्या पब्लिक है, कितने उत्साहित है लोग यहाँ से, बहराइच से पहली बार ट्रेन। और बात करें प्रयागपुर की, तो गोंडा और बहराइच के बीच में पड़ने वाला अपना आखिरी स्टॉपेज है, और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हाल्ट है। बाकी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और यहाँ से 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्च होगी प्रयागपुर में। हर हर महादेव, बोलबम बोलबम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कैसे नारे लगा रहे हैं, काफी पब्लिक यहाँ पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागपुर से अपनी ट्रेन डिपार्च करते हुए, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा ट्रेन को इतनी रात में देखने के लिए लोगों का भीड़ और उत्साह। लोगों में काफी उत्साह है, और प्रयागपुर से अपनी ट्रेन डिपार्च लेते हुए बहराइच। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है बहराइच पे, और यहाँ भी लोगों का आप लोग इतनी रात में एक्साइटेडमेंट देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं लोगों का उत्साह और उमंग। और यहाँ पे कुर्सी मेज सब सजा हुआ है, और कल यहीं से अपनी ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है। नहीं तो रिंग करेगा वो आगे। अब जाके तो पक्का हो जाएगा। हर हर महादेव। और इतनी रात में भी लोगों का देख सकते हैं उत्साह, लोग कितने भीड़ है और लोग खड़े हुए हैं। तो रात के 10:30 बज चुके हैं, और अपनी ट्रेन आ चुकी है बहराइच रेलवे स्टेशन पे। बहराइच रेलवे स्टेशन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और ट्रेन अपनी आ चुकी है बहराइच रेलवे स्टेशन पे। और बात करें इस ट्रेन की, तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, और यहाँ के लोगों के, सांसद जी के डिमांड पे यहाँ पे पहली बार ट्रेन आई है। कल सुबह इसका फर्स्ट रन होने वाला है, और आपको दिखाएंगे फर्स्ट रन, क्योंकि रात भर में आज ट्रेन को सजाया जाएगा, और कल इसको सुबह बनारस के लिए रवाना किया जाएगा। तो लोगों की काफ़ी डिमांड, और यहाँ के सांसद जी के डिमांड पे इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, और सुबह मिलेंगे पूरे जर्नी पूरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।